और महाराजा गुलाब सिंह जी की जयंती पर श्रद्धांजलि, जयंती पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। उनकी राजनीता और कौशल, सांस्कृतिक राजनीतिक प्रतिभा, साहस, बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सशस्त्र चीनी फौज द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी। इन शहीदों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता बनाए रखने में पुलिस की उत्कृष्ट भूमिका का सम्मान किया जा रहा है और इसी सम्मान के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस 2018 के अवसर पर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। आज 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर 1959 को ही लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सशस्त्र चीनी फौज द्वारा घात लगाकर दिए गए हमले में पुलिस के 10 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन शहीदों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता बनाए रखने में पुलिस की उत्कृष्ट भूमिका का ये सम्मान है और इसी भूमिका का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस 2018 के अवसर पर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। तो हर साल इस तारीख में यानी 21 अक्टूबर को इस तरह से ही पुलिस बलों द्वारा दिए गए बलिदान को इस तरह से उन्हें याद किया जाता है, उनकी कुर्बानी को याद रखा जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी आज के इस खास दिन को, जो शहीद जवान थे, उनकी कुर्बानियों को याद किया। तो आज 21 अक्टूबर है और आज की तारीख में जो 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सशस्त्र चीनी फौज द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 बहादुर जवानों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी और कुर्बानी दी थी, आज उसे याद किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।